हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मडुला क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के वीडियो में हम मार्च 25, 2022 का डेली हिंदी एनालिसिस करेंगे। नाउ बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। आपको बताना है कि रिसेंटली कौन से फीमेल टेनिस प्लेयर ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। ओके, विच टेनिस प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन एंड she has announced resignation based on lack of motivation. Okay, so please write the name of that female tennis player in the comment box. Now aaj ka jo news jo kuch important hain, so today we will start the paper directly from editorial. kyun hum editorial se start karenge? kyunki kuch important issues jo hain jo current mein chal rahe hain aur jo exam point of view se important hain, that are very important. after that we will take up the new development related to Russia Ukraine crisis and India's response in United Nations General Assembly and United Nations Security Council. that is also very important for today's from today's newspaper. ठीक है, तो चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। Now the first is the peculiar case of Ladakh's eastern boundary. ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल में बेसिकली डिस्कशन इस बारे में हुई है कि लद्दाख की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, ब्रिटिश टाइम में लद्दाख की हिस्ट्री क्या रही है, उसके बाद ये जो प्रेजेंट डिस्प्यूट है, ठीक है, ये प्रेजेंट डिस्प्यूट की ओरिजिन कहाँ से होती है। फाइन, ओके, और क्या ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। वाई? बिकॉज नाउ करेंटली ऑन मार्च 15th देयर वॉज डिस्कशन फॉर डिस एंगेजमेंट ऑफ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग एरिया। ओके, एंड नाउ नो कंक्लूसिव रिजल्ट हैज़ कम। सो वी ऑलरेडी नो कि कमांडर लेवल टॉक होता है इंडिया और चाइना के बीच में आफ्टर द गलवान वैली क्लैश इन मई 2020। टिल नाउ पेट्रोलिंग पॉइंट टिल नाउ 15 कमांडर लेवल टॉक हैज़ बीन कंक्लूडेड। द आउटकम ऑफ दैट इज कि डिस एंगेजमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स में हो चुके हैं। ये कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर डिस एंगेजमेंट? डिस एंगेजमेंट मतलब दोनों आर्मी पीछे हट जाती हैं। तो जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो चुकी है वो एक है नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक, उसके बाद आपका आता है पेट्रोलिंग पॉइंट 17A दैट इज गोगरा। ओके, दैट इज पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, और अभी बात चल रही है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेके। ठीक है, अभी तक यहाँ पे कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता है। ओके, देन द नेक्स्ट एरिया वेयर डिस एंगेजमेंट हैज़ टेकन प्लेस इज गालवान। ये तीन एरिया ऐसे हैं, पैंगोंग सो लेक, गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A और उसके बाद गालवान विच वॉज पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी डिस एंगेजमेंट हो चुका है। उसके बाद कुछ लीगेसी इशूज़ हैं, मीन्स कि लीगेसी इशूज़ का मतलब ये इशू पहले से चलते आ रहे हैं, दैट इज एरिया डैमचौक रेस्पांग। ओके, दिस टू आर लीगेसी इशूज। अब हम आज के एडिटोरियल को अगर ध्यान से देखें तो ये आर्टिकल इसके लिए डिस्कस हुआ है बिकॉज जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वांग यी, नाउ ही इज इन इंडिया। ठीक है, पहले वो काबुल गए, फिर काबुल से वो इंडिया आ गए, एंड ही इज गोइंग टू मीट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि देर इज़ अ रिन्यूड फोकस ऑन दिस बिकॉज इंडिया एंड चाइना, अगर हम देखेंगे कि जो रशिया में, जो रशिया को लेकर जितने भी रेजोल्यूशंस आए हैं यूनाइटेड नेशंस के बॉडीज़ में, वहाँ पे कुछ इंडिया और चाइना का थोड़ा सा एक ही स्टैंड रहा है। ओके, दे ऑल हैव एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एक्सेप्ट फॉर यस्टरडेज रेजोल्यूशन। ओके, एंड देन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 अभी कंक्लूड हुआ है। ओके, नाउ अगर हम लद्दाख की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम माउंटेनियस एरिया में बाउंड्री डिफाइन करते हैं तो वी डिफाइन द बाउंड्री बेस्ड ऑन द वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब कि रिवर के बेसिस के हिसाब से, रिवर का जो बेसिन है उसके हिसाब से हम बाउंड्री को डिसाइड करते हैं। बट लद्दाख में ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज लद्दाख में जो माउंटेन रेंजेस हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड द टोपोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माउंटेनियस एरिया। नाउ ले जो है हिस्टोरिकली वो एक क्रॉस रोड रहा है हाई एशिया का। हाई एशिया का मतलब जो माउंटेनियस पास से जितने भी ट्रेडिंग रूट्स थे वो लेह से होके जाते थे। ओके, अगर हम
लद्दाख का अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सपांस देखें तो पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि लद्दाख का मतलब होता है लैंड ऑफ हाई पासिस, और इसका जो कंट्रोल है इट स्टार्ट फ्रॉम काराकोरम पास इन द नॉर्थ, देमचोक टू द साउथ, जोजिला टू द वेस्ट, ओके, सो देर इज़ अ ट्राइंगुलर एरिया कंसिस्टिंग लद्दाख। उसके बाद अगर हम थोड़ा आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो देर विल बी ग्रेजिंग ग्राउंड्स इन द साउथ विच हैज़ बीन शेयर्ड विद तिब्बत। उसके बाद एक पूरा प्लेन है 100 स्क्वायर माइल का एट द हाइट ऑफ 17,000 फीट, और दिस इज़ द एरिया विच इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अर्लियर इट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी ऑफ दिस एंटिटी। अब लद्दाख जो है उसका एक हम देखेंगे तो इट वॉज मोर और लेस अ ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिटिंग जोन, मतलब ट्रेड रूट्स यहाँ से पास होते थे, तो इस पर किसका कंट्रोल है ये पहले क्लियर नहीं था। लद्दाख पहली बार एमर्ज हुआ है एज अ डिफरेंट एंटिटी इन 1684, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ तिमोर गैंग। उसके बाद ट्रीटी ऑफ चुशुल साइन हुआ 1842 में, ओके, और लद्दाख और तिब्बत ने डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू मेंटेन द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब कि हम अभी बाउंड्री क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। उसके बाद अमृतसर की ट्रीटी हुई 1846 में, दिस ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्टेट ऑफ कश्मीर, इसमें लद्दाख को इंक्लूड किया गया इंडिया के अंदर, बट उसका जो ईस्टर्न बाउंड्री था चाइना की तरफ का बाउंड्री था उसको अनडिफाइन किया गया। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मेन फोकस क्या था, फॉर अलाउइंग द पश्मीना ट्रेड। उसके बाद व्हेन ब्रिटेन टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ओके, तो ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा डर था इंक्रीजिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया एंड टू कंट्रोल द रशियन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, तो जो इनका रिलेशन था लद्दाख से और बाकी चाइना से दैट वॉज इन लाइट ऑफ चेकिंग द रशियन एग्रेशन इन दिस एरिया, ओके। उसके बाद अगर हम देखें 1890 का गैजेट ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, ओके, तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम तिब्बत की जो बाउंड्री देखें काराकोरम से लेके चांगचेनमो वैली तक, इट इज़ क्वाइट डाउटफुल, तो डाउटफुल का मतलब कि क्लियर डिमार्केशन यहाँ पे नहीं है, ओके। नाउ इसमें हम आगे अगर देखेंगे तो जो अनऑक्यूपाइड एरिया था अक्साई चीन का, इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज न्यूट्रल टेरिटरी, मतलब बफर टेरिटरी विच वॉज सुटेबल फॉर व्हील्ड ट्रांसपोर्ट, ओके। अब ये जो है ये हिस्टोरिकल सेंस क्या है लद्दाख का उसके बारे में बात करता है। अब हम आते हैं आज की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम आज की हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट वॉज साइंड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो इस ट्रीटी ने, इस डील ने, एग्रीमेंट ने जो पूरा लद्दाख का जो क्वेश्चन था इट शिफ्टेड फ्रॉम हिस्ट्री टू फैक्ट बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, ओके। नाउ इन 2020 द फोकस हैज शिफ्टेड टू द ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन का मतलब कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किसका कहाँ पे कंट्रोल है और कहाँ कहाँ से डिसएंगेजमेंट करना है, ओके। अब ये जो ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर लद्दाख का और हम चाइना का, इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर टू फोकस मोर ऑन मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड रीचिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, अब क्या ये ट्रीटी, ये क्या ये जो ईस्टर्न बाउंड्री का जो पूरा कॉनंड्रम है लद्दाख का ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है, क्या ये सॉल्व हो सकता है? तो अगर हम ध्यान दें कि पहले से ही इंडियन डिप्लोमेट्स, फिर जो आर्मी चीफ हैं पहले के कोडेंड्रा सुबैया जनरल थमैया और आप अब के कमांडर्स ऑफ लेक कॉर्प्स, उन्होंने कहा है कि दैट काराकोरम वाटरशेड एक डिस्पेंसिबल बॉर्डर है, ओके, विच इज़ ऑल्सो अ क्लेम लाइन बाई दी चाइना, ओके, एंड दिस कंट्रोल्स अक्साई चीन, दिस लिव्स अक्साई चीन कंट्रोल ऑफ चाइना। तो ब्रॉडली हम इसको मान सकते हैं एक बॉर्डर बनाने के लिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सील्ड जस्टिस। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो काफ़ी सारे जो एविडेंस होते हैं केसेस में, हाई कोर्ट में हो गया, चाहे मीडिया वन से रिलेटेड जो केस था या बहुत सारे केस में, एक है कि गवर्नमेंट जो अपने एविडेंस देती है वो एक सील्ड कवर में देती है, ओके, सील्ड कवर में देती है, जिसको कहते हैं, जिसको टर्म किया गया है सील्ड ज्यूरिसप्रूडेंस, ओके। नाउ सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू एंड दिस सील्ड कवर ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है। अब क्योंकि इससे नुकसान क्या होता है कि जब हम सील्ड कवर में कोई भी एविडेंस देते हैं तो जो सामने वाली पार्टी है उसके पास सारे फैक्ट्स और एविडेंस नहीं होते हैं कि वो उसको काउंटर कर सके,
और उसके बाद बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स विच ऑल्सो अमाउंट्स टू कैंसिलिंग ऑफ बेल एंड एक्सेट्रा विच हैज़ बीन बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट इन सील्ड जुरिसप्रूडेंस, इन सील्ड कवर. ओके, नाउ दिस सील कवर इज अलाउड फॉर मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन विच इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. फाइन, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिजम इज दैट इट लिमिट्स द चांसेस ऑफ अदर पार्टी टू फाइट द केस प्रॉपरली. ओके, द नेक्स्ट इज क्राइसिस इन श्रीलंका. तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्राइसिस इन श्रीलंका, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. श्रीलंका इज फेसिंग इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, देर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस गोइंग ओवर हियर. फाइन, सो ओवर हियर इंडिया हैज ऑल्सो हेल्प श्रीलंका टू बैलेंस टू मैनेज इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस. सो द इफ यू विल जस्ट सी दैट ओवर लास्ट थ्री मंथ इंडिया हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ $2.4 billion. चाइना से भी ये लोग दे आर टेकिंग हेल्प, दैट इज $2.5 billion का. इंडिया ने अभी तक $2.5 billion का हेल्प किया है, जिसमें से $500 million इज अ लोन डिफरमेंट एंड $1 billion इज अ क्रेडिट लाइन टू एनेबल द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. अलॉन्ग विद डैट श्रीलंका इज सीकिंग हेल्प ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ओके, द नेक्स्ट इज दैट दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग दैट इंडिया शुड हेल्प श्रीलंका टू टाइड ओवर इज फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इंडिया शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सॉल्विंग द डिकेड्स लॉन्ग तमिल इशू. ओके, तमिल इशू एंड द सेकेंड फिशरमैन इशू इन पाक बेग. These are the two issues which are the sticking point between India and Sri Lanka. Earlier, अगर हम देखें तो India has been allowed to develop Trincomalee oil farm. Okay. Now, एक बार हम वैक्सीनेशन का कवरेज देख लेते हैं. So, as of March 24, India has administered about 1,824.3 million COVID-19 vaccine doses. ठीक है, और यहाँ अभी तक total 1,060.9 million पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर द वैक्सीनेशन सो फार. अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो बिटवीन 12 and 14 years, ओके, ओवर 8.8 million हैव रिसीव द फर्स्ट शॉट. अगर हम देखें कि इनके लिए कौन सी वैक्सीन प्रेफर की गई थी, दैट इज कोर्बेवैक्स. ओके, कोर्बेवैक्स इज अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, बट 80% ऑफ द वैक्सीन इज नाउ कोविशील्ड. Now friends, this is the infographic basically today related to increase in oil prices. तो अगर हम इंडिया में देखेंगे तो एक फ्रीज आउट कॉन्सेप्ट चला है. हम इकोनॉमी में भी देखेंगे कि इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है. फ्रीज का मतलब होता है कि वाई द प्राइजेज वर फ्रीज, मतलब अगर हम देखेंगे कि जो पेट्रोलियम प्राइसेज है इंडिया में, दे आर डीरेगुलेटेड. डीरेगुलेटेड का मतलब कि एवरी मॉर्निंग द प्राइस इज लिंक टू द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेज. वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ओके, बट पास्ट में द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द रिटेल प्राइसेज टू इंक्रीज वेन एवर द क्रूड ऑयल प्राइसेज वर इंक्रीजिंग, बट वैन द क्रूड ऑयल प्राइसेज वर डिक्रीजिंग द गवर्नमेंट हैड नॉट अलाउड द डिक्रीज इन द प्राइसेज. ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट टैक्सेस. तो यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता है, फिर वैट टैक्स लगता है स्टेट का. ओके, सो वॉट हैपन्स दैट ओवरऑल इंडियंस दे आर पेइंग ₹50 एज अ टैक्स फॉर एवरी ₹100 दे पे फॉर पेट्रोल. नाउ फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया एब्सटेंस ऑन UNGA वोट. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दो रेजोल्यूशन आए थे. ओके, वन वॉज ब्रॉड बाई यूक्रेन. सो वी विल जस्ट सी दैट इंडिया हैज एब्सटेन ऑन बोथ द रेजोल्यूशन, वन बाई यूक्रेन एंड वन बाई रशिया. फाइन, द बोथ वर रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन. फाइन, सो यहाँ पर जो पहला रेजोल्यूशन था, इट वॉज अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन विच वॉज प्रपोज बाई यूक्रेन. And this first resolution, it held Russia responsible for the humanitarian crisis. So humanitarian crisis में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जो cities हैं like Kharkiv, Sumy, then Mariupol which is in southern Ukraine, यहाँ पे बहुत ज़्यादा shelling हुआ है and many people they have been trapped in this city, they are not able to move out. Fine. उसके बाद जो second resolution था, it was proposed by साउथ अफ्रीका फॉर एक्शन फॉर कॉलिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर
taking certain action to stop this humanitarian crisis. Okay, over here the resolution has not mentioned Russia, okay, but the resolution was related to humanitarian crisis. Now the first is, the first resolution was successful in adoption because 140 countries voted for it, and the second one was not put to vote because it did not have sufficient support. Now again, India has abstained from voting again for this resolution, citing that it does not reflect the expected focus on the challenges related to Russia-Ukraine war. The next was that in United Nations Security Council, again India abstained from a resolution by Russia on humanitarian crisis in Ukraine. मतलब कि जो यूक्रेन में humanitarian crisis है उसके लिए मतलब यूक्रेन responsible है ऐसा. Now this draft resolution was co-sponsored by Syria, North Korea and Belarus. It cannot be adopted because again it did not have the required 9 votes to get passed. अब इनके फेवर में किसने किसने वोट किया? सो डेफिनेटली रशिया एंड चाइना, दे वोटेड इन द फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन. ओके, नो कंट्री वोटेड अगेंस्ट इट, बट इंडिया एंड द रिमेनिंग सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स दे एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग. द नेक्स्ट इज 1 lakh स्टूडेंट्स इन स्टडी टू असेस क्लास 3 लिटरेसी लेवल. सो 1 lakh क्लास 3 स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी. ओके, विच इज मैन टू सेट अ बेस लाइन फॉर सेंटर्स मिशन टू इम्प्रूव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन दी अर्ली स्कूल ईयर्स. अगर हम बात करें प्रथम एन जी ओ का, तो प्रथम एन जी ओ रिलीजेज अ रिपोर्ट कॉल्ड एज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, विच हैज सेड दैट मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास थ्री, मतलब बिलो 5 ईयर्स, ओके, दे डू नॉट हैव द बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल. नाउ अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बात करें, so it focuses on improving the ability of children to read, write and perform basic operations with numbers. अब क्या कोई government का program है which is focusing on increasing this foundational literacy and numeracy? Yes, we have that program which is called as Nipun Bharat Mission. Nipun Bharat Mission का full form है National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. ओके, इसका एम जो है बहुत ही सिंपल है. इट इज़ इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू एंश्योर यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर क्लास थ्री चिल्ड्रन विद इन 5 ईयर्स. ठीक है ना, 5 साल के अंदर इस गोल को अचीव करना है. तो इसके लिए ही हमको एक बेस लाइन तैयार करना पड़ेगा. वी हैव टू असेस द करंट लेवल. फाइन, सो दैट्स वाई CBSE NCERT इज कंडक्टिंग दिस learning study this week to form the base so that this program can be effectively implemented. The next is again a one-liner news. Nepal PM Deuba to visit India next month. So Prime Minister jo hai Nepal ke Sher Bahadur Deuba, okay, he is going to visit India in the first week of April. Now there are certain important factual information over here, that is MCC. It is a US program, okay, for bringing infrastructure development in Nepal. The second is that there is one Pancheshwar Dam project and Raksol Birganj Kathmandu rail line. These two projects are going to be discussed between India and Nepal. Then there is one territorial dispute between India and Nepal that is related to Kala Pani in Uttarakhand. The next is that 24th March is celebrated as World TB Day. So on World Tuberculosis Day, Health Minister Mansukh Mandaviya has reaffirmed the government's commitment to make India tuberculosis free by 2025. ये बहुत ही important year है, please make the note of it. अगर हम WHO का target year देखेंगे तो then it is 2030, but India is going to be tuberculosis free by 2025. So already India has launched a program for eliminating the TB. That program is called as National Tuberculosis Elimination Program. Okay, so this program aims to eliminate TB in India by 2025. Now the focus is on two things. First is ensuring access to quality healthcare, and second is advanced treatment. The third is that state specific strategic plan or district specific strategic program yahan pe implement kiye jayenge. Okay, and then the government has also released National TB Prevalence Survey Report, which was conducted within 2 years from 2019 to 21 to know the actual disease burden of TB. अब इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें
तो देर हैज़ बीन इंक्रीज इन द मॉर्टेलिटी रेट ड्यू टू ऑल फॉर्म ऑफ टीवी बिटवीन दिस टू ईयर्स दैट इज़ बाई 11%. ओके नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट देर इज अ प्रेवलेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अमंग 15 ईयर्स एंड अबोव इन इंडिया विच इज द नंबर इज 316 पर लैक पॉपुलेशन. ओके इसमें से अगर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है तो दैट इज़ इन दिल्ली एंड सबसे लोएस्ट इट इज़ इन केरला. अगर हम देखें कि ओवरऑल इंडिया का टीवी परफॉर्मेंस कैसा रहा तो ये जो नंबर है पेशेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं 2021 में. ओके सो द नंबर ऑफ टीवी पेशेंट हैज़ इंक्रीज बाई 19% इन 2021 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. सो दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है एग्जाम में ऐसे न्यूज़ आते हैं. द नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया फायर्स न्यू ICBM इन लार्जेस्ट टेस्ट सिंस 2017. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ICBM इसका फुल फॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. सो नाउ नॉर्थ कोरिया हैज़ फायर्ड अ न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. ओके एंड नाउ ये जो मिसाइल फायर हुआ था इट वॉज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड सी एंड एयर. नाउ वांग यी हु इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना ही वॉज इन विजिट टू काबुल. काबुल के बाद वो इंडिया में आए थे. सो हियर देर इज़ अ फोकस ऑन इंक्लूडिंग काबुल इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ओके फर्स्ट सेकेंड इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू काबुल. द नेक्स्ट इज द फ्यूल रिटेलर्स लॉस्ट $2.25 billion इन रेवेन्यू ऑन प्राइस फ्रीज अकॉर्डिंग टू मोदी. अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस फ्रीज था ये इसके लिए था बिकॉज ऑफ द पेंडिंग जनरल इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 5 स्टेट्स. सो बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज अ प्राइस फ्रीज. नाउ दिस प्राइस फ्रीज हैज़ लेड टू लॉस ऑफ $2.25 billion इन रेवेन्यू बाई इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिफाइनरीज लाइक IOCL, BPCL, HPCL. द नेक्स्ट इज that the important news from the economics that Reserve Bank of India Governor Shakti Kanta Das has inaugurated Reserve Bank Innovation Hub okay in Bangalore. The aim of this hub is to encourage and nurture financial innovation in a sustainable manner through an setup through an institutional setup. अब इसका जो initial capital contribution है that is ₹100 crore. okay now इसके जो chairman है वो है S. Gopal Krishnan who will be chairman of this body that is called as RBIH. The next is that it will focus on promoting access to financial services and products for especially for the low income population in the country. हमने पहले भी किया था कि RBI ने एक UPI format launch किया है that is called as UPI 123 pay. Again it is going to enable financial transactions without internet on feature phones. The full form of UPI is Unified Payment Interface. Now friends again a one liner. So the Union Ministry of Civil Aviation has organized Wings India 2022 which is a 4-day civil aviation show. Okay it was organized in Begumpet Airport in Hyderabad. Okay so this is very important. Okay that who organized Wings India 2022. So it was Ministry of Civil Aviation. It was not Indian Air Force or Defense Ministry. It was Ministry of Civil Aviation. The next is that sometimes they can ask you that Mulle Periyar dam issue is between which two states. So it is between Tamil Nadu and Kerala. Okay so issue is very simple. The issue is about raising the height of the dam. Okay raising the height of the dam. Now Tamil Nadu wants to increase the height of the dam. Kerala wants that this dam should be replaced and a new dam should be built. Okay why? Because this Mulle Periyar dam it supplies drinking water supply in Tamil Nadu. Okay but since it is 125 year old dam and there is structural issues fine. So Kerala fears during monsoon that this dam can break any time and it may lead to a flooding in the low lying areas in Kerala. Now yesterday we did Medakattu power project or Medakattu drinking water project. So this is a Medakattu dam issue is between Tamil Nadu and Karnataka. Tamil Nadu and Karnataka.
Now Mulle Periyar, it is on which is built on river Periyar, and Medakuthu dam, it will come on river Kaveri. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.